गूगल के द्वारा हम मैप को किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं और बहुत से प्रश्नों का द्वारा गूगल के द्वारा ही हल किया जाता है और उसमें हमें बहुत से फायदा होता है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से आप देख रहे होंगे कि बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों में नहीं घूमते फिरते हैं, उन्हें अपने आप में खुशियाँ ढूंढना, और इसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जो भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल दे लेकिन बस ज़रूरत के समय दे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताए। मेरी मम्मी फ़ोन पर बिजी रहती हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए टाइम। ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि आप सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब सब बना के आप प्रदर्शित करना चाहते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को खासकर लड़कों को भी इससे जितना फायदा है वही लेना चाहिए, नुकसान नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज़ फायदा नुकसान दोनों। सोशल मीडिया जो आजकल हमारे देश में बहुत ही प्रचलित है जिसमें छोटे छोटे बच्चे। नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत DLS शिक्षा महाविद्यालय में और आज जो है गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से इस विद्यालय में, और उसी के उपलक्ष्य में एक नए सेशन का जो स्टूडेंट होते हैं BEd में एडमिशन के लिए उसका स्वागत समारोह और जो यहाँ से निकल रहे हैं उसके लिए विदाई समारोह। इसी बीच हमारे टीम को ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप कैमरा पर्सन से निवेदन है कि आप उसको दिखाएंगे गूगल इंस्टाग्राम और जितना भी सोशल मीडिया है उनके वजह से बच्चों को क्या साइड इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में ये नाटक करेंगे। और उससे पहले मैंने सोचा कि आप तमाम दर्शकों को इस चीज़ से रूबरू करा दें ताकि आपको पता चले कि सोशल मीडिया से बच्चे को क्या साइड इफेक्ट होता है। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे आखिर इनसे नुकसान क्या होता है और फायदा भी होता है। सबसे पहले तो हम आएंगे ये TikTok जो कि एक ट्रेंड चला था, उससे होता क्या था कि बच्चे तरह तरह के रील्स बनाते थे, गंदे अच्छे सारे तरह के वीडियो बनाते थे इस पर TikTok पर, जो कि ये भारत सरकार इसको बैन कर दिया और वो अभी यहाँ से TikTok खत्म हो गया है। इनके बारे में बात करेंगे TikTok महाराज से। आपका सबसे पहले नाम क्या है? मेरा रोहित कुमार जी। रोहित जी, आप ये बताइए कि आपने TikTok का लोगो लगाया है, इसके बारे में क्या कुछ विशेषता बताइए, इसका साइड इफेक्ट या इससे फ़ायदा? इससे होता है क्या, देखिए जो भी आदमी है उसमें जो है छोटे छोटे वीडियो देख के उसमें जो माइंड प्रेशर होता है और माइंड के कारण जो है वो हम उस कन्वर्ट हो जाता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में शॉर्ट वीडियो देखते हैं जिसके कारण वो प्रभावित हो जाते हैं पूरा मानसिक रूप से। नुकसान होने की वजह से तो इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। इनका फायदा क्या था जो कि रील्स बना रहे थे? सोशल मीडिया में बताया जाता है कि अभी अपने बिहार की बात करें तो काफ़ी बेरोजगारी है, ठीक है। सोशल मीडिया एक साधन बना लिए हैं लोग, छोटे से छोटे बच्चे हो या बड़े से बड़े बुजुर्ग हो, सब सोशल मीडिया में आके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इसका फ़ायदा बताइए। इससे फायदा है कि देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जैसे कि कुछ गाँव में दूर दूर बच्चे रहते हैं और जैसे कि उसके अंदर एक्ट भरा हुआ है और वो एक मतलब प्रतिभा को दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चला है उसमें इससे बचकर ही रहना चाहिए जी। जो अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहे मुंबई जैसे नगरी में जाना तो संभव नहीं है, अपने सोशल मीडिया जब से आया तब से आसान हो गया है कलाकारों के लिए और जो भी अपना शिक्षा देना चाहते हैं सोशल मीडिया के। हाँ जी, देखिए इससे तो फायदे भी हैं नुकसान भी है। ये तो छोटे छोटे जो गाँव में आते हैं बच्चे सब जो एक्ट दिखाते हैं अपना अपना, मतलब गलत जाल में फंस जाते हैं बच्चे। हाँ, गलत जाल में जो फंसते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उससे बाहर निकलना है उस, और अच्छाई को पकड़ना है बुराई को छोड़ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे फेसबुक महाराज, देखिए इसका तो अभी ट्रेंड चल गया है, जिसे देखो वो फेसबुक को स्क्रॉल करते रहते हैं, और ये फेसबुक महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर फेसबुक अभी यूट्यूब पर जितना ट्रेंड था वो उसको छोड़कर अभी फेसबुक पर आ गए हैं लोग, फेसबुक पर लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, अगर बोला जाए तो फर्स्ट नंबर पर गूगल महाराज के बाद फेसबुक का ही नंबर है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोग फेसबुक से अर्निंग भी करते हैं अभी के दौर में, तो इसके बारे में फ़ायदा और नुकसान दोनों बताएं। आपका नाम? सबसे पहले अपना नाम बता देते हैं। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। हम लोग एक सोशल इविल का रोल कर रहे हैं, जैसे कि पहले हमारे समाज में महिलाओं का सती होती थी और सी बहुत सारे महिलाओं को पढ़ने का शिक्षा नहीं दिया जाता था, तो समाज में कुरीतियाँ थी, लेकिन अभी के समाज में कुरीतियाँ के रूप में हम लोग देख सकते हैं ये सोशल मीडिया जो आजकल हमारे देश में बहुत ही प्रचलित है जिसमें छोटे छोटे बच्चे फंस कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि आप तो एक्ट के माध्यम से दिखाना चाहेंगे इस फेसबुक का क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उसको दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए
हम लोग फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं, हमारे लगभग 5000 भी फ्रेंड हो जाते हैं, लेकिन जब हमें किसी मुसीबत में पड़ते हैं या फिर कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमारा कोई भी फेसबुक फ्रेंड हमको बचाने नहीं आता है, गांव समाज के ही लोग हमें बचाने आते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सामाजिक कार्य में शामिल होना चाहिए, ना कि फेसबुक में इन्वॉल्व होकर अपना समय बर्बाद करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चलिए अब गूगल जी से पूछते हैं, आखिर इसका तो पूरे संपूर्ण देश में और पूरे विश्व में गूगल में सर्च किया जाते हैं, अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं हो तो ये गूगल में सर्च कीजिए, इसके बाद सब चीज़ का जवाब मिल जाता है, क्या सर? यस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार। गूगल तो बहुत बड़ा साइट है, आप बहुत छोटे हैं, इसके बारे में पहले बता दीजिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ। आपको गूगल का रोल कैसे मिल गया? गूगल का देखते हैं, छोटे दुनिया में बहुत बहुत गूगल के द्वारा ही होता है, छोटी सी चीज़ों में बहुत सा बड़े बड़े ज्ञान होता है। गूगल का फायदा बता दीजिए। गूगल के द्वारा हम मैप को किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं और बहुत से प्रश्नों का द्वारा गूगल के द्वारा ही हल किया जाता है और उसमें हमें बहुत से फायदा होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इंस्टाग्राम के बारे में अगर बताएं आपको, तो लड़कियां खास करके रील्स बनाती है और समझिए तो साउथ में जिस तरीके से वहाँ की संस्कृति है उसको बिल्कुल धो डाले हैं, तो हम उसी से संबंधित हम पूछेंगे आखिर इंस्टाग्राम का फायदा क्या है। आपका नाम क्या है? रवि राज नाम है मेरा। रवि राज सर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, इस पर लड़कियां ही अक्सर आती है और अभी देखिए तो नग्नता जो है ना इंस्टाग्राम पर चरम सीमा तक है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि लड़कियों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिला है, लेकिन वो कला अच्छे ढंग से दिखाए तो बहुत गलत कला का प्रदर्शित कर रहे हैं लोग। हाँ, तो वो गलत चीज़ है, लेकिन उसको एक अच्छे सीमा तक ही रख। साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ की संस्कृति जो है, अभी भी वहाँ की मूवी को देखा जाए तो एक अच्छे पर्दे में रहकर बनाया जाता है। ये इंस्टाग्राम आने के बाद हमारे यहाँ बिहार की बात करें या अन्य स्टेट की बात करें तो इंस्टाग्राम पर रील्स में अश्लीलता ही देखिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि अक्सर अश्लीलता ही होती है, लेकिन कभी कभार अश्लीलता देखने को मिलती है जिसे बैन किया जाना चाहिए, उसे आगे प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि यहाँ जो बच्चों में प्रतिभा है तो वो प्रकट होती है, दिखती है सामने, समाज में क्या है कुरीतियाँ सब चीज़ दिखती है इसमें। पहले लोगों को मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अब तो आपके घर में मुंबई आ चुका है। हाँ, सही बात है, क्योंकि एक दुनिया जो है पूरे सिमट के रह गई है एक गाँव की तरह, तो इसको आप कहीं भी देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाल्मीकि राज हुआ। व्हाट्सएप का फ़ायदा और नुकसान बता दीजिए आप। देखिए, व्हाट्सएप से फ़ायदा यह है कि जैसे कि पहले हम लोग जैसे मैसेज किसी को भेजते थे, उसमें कहा जाता था कि फ़ोटो भेजो या वीडियो भेजो, तो हम प्रूव नहीं कर पाते थे कि मैसेज भेजा जाता है, उससे प्रूव नहीं हो जाता। अभी व्हाट्सएप आने से क्या हो गया है कि जैसे हम कोई भी चीज़ फ़ोटो भेज सकते हैं कि हम कहाँ, या फिर वीडियो करके दिखा सकते हैं किसी को, भेज सकते हैं डायरेक्टली तुरंत, ताकि किसी को कोई भी हम जैसे वीडियो किए शूट किए तो उसको तुरंत भेज सकते हैं। मतलब झूठ बोलने का कोई चांस नहीं है, झूठ बोलने का कोई चांस नहीं है, और इससे क्या होता है प्रूव भी हो जाता है, इससे काम जल्दी भी होता है, और इससे क्या होता है हम व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, प्रूफ दिखा सकते हैं। इसका नुकसान क्या है? इससे नुकसान यह है कि देखिए जैसे कि हम जैसे इससे फायदा बताए, उससे नुकसान ये है कि रातों जैसे रात भर इसमें मैसेज चीटिंग करते रहते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए लड़कियों को, खासकर लड़कों को भी, इससे जितना फायदा है वही लेना चाहिए, नुकसान नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज़ फायदा नुकसान दोनों के लिए होता है, तो हमें वही चुनना चाहिए जो हमें दे दिए फायदा हो, इसलिए इसके लिए थैंक यू बहुत बहुत। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब बीमारी आती है तो डॉक्टर का तो किरदार भगवान के लेवल में आ जाते हैं और पृथ्वी पर का भगवान माना जाता भी है डॉक्टर साहब को। अब इनसे बात करेंगे कि सोशल मीडिया में जो बीमारियां आती है उनसे लोग कितने प्रभावित होते हैं, कितने पीड़ित होते हैं, उनका इनकम पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैडम आपका नाम क्या है? योगिता रंजन। योगिता जी, आप ये बताइए कि सोशल मीडिया का अभी नाटक होने वाला है वहाँ आपके रंगमंच पर, तो इसके बारे में ये आपने जो रोल अदा करने वाली हैं वहाँ पर, इसके बारे में बताइए। और DLS में जो ये खास तौर पर गांधी जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले कॉलेज के बारे में बता दीजिए, इसके बाद आप इस नाटक के बारे में बताइए। मेरा नाम योगिता रंजन है, हम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा रोल है डॉक्टर का, मैं ये बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से आप देख रहे होंगे कि बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों में नहीं घूमते फिरते हैं, उन्हें अपने आप में खुशियाँ ढूंढ, और इसी की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए, जिससे वो जल्दी रिकवर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको देखकर तो ये पता लगता है कि ये किसी बच्चे की माँ है
और इससे ये स्पष्ट होता है, और इनके बच्चे सोशल मीडिया को जो यूज करते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उनसे, इनकी बच्चियाँ क्या सीख पाती हैं, इनसे पूछते हैं। देखने से तो लग रही हैं आप क्या चीज़ का किरदार कर रहे हैं? माँ का किरदार। माँ सच में सही बताए, ये माँ जी हैं। और सोशल मीडिया जो इनकी बच्चियाँ सब उपयोग करते हैं, बच्चे उपयोग करते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है? साइड इफेक्ट तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं... आप अपनी बच्ची को मोबाइल दिए हैं? नहीं। अच्छा, शादी नहीं, नहीं शादी की बात नहीं, ये किरदार के बारे में हम बात कर रहे हैं, शादी वो बात की बात है। हाँ दिया है मैंने बच्चे को जी। उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्ची के ऊपर या बच्चे के ऊपर? वो बीमार पड़ जा रही है, अकेले पड़ जा रही है, और हम लोग माँ बाप उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा नाटक है, और रंगमंच के माध्यम से दिखाएंगे दर्शकों को, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि जो भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल दे, लेकिन बस ज़रूरत के समय दे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताए, अपने बच्चों के साथ रहे और उनका सहयोग करे, ताकि वो आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे माता पिता से दूर हो जा रहे हैं। तो ये अगर इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी सोशल मीडिया है अगर उनसे बचा जा सकते हैं, तो माँ बाप उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ रहेंगे, जिससे वो उनके साथ रहेंगे, उनसे अलग नहीं रह करके रहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि सभी बच्चे अलग, माँ बाप से अलग, उनका अलग कमरा हो जा रहा है, तो वो अपने मनमानी कर रहे हैं, और जो भी आजकल जो भी चल रहा है, जो बुरा हो रहा है, तो वो भी बंद हो जाएगा जी। ये तो आपने इसका साइड इफेक्ट बताया, और इससे एक फ़ायदा भी है। खान सर जैसे शिक्षक अभी आ चुके हैं, इन जैसे बड़े बड़े महारथी शिक्षक हैं जो कि घर बैठे आईएएस आईपीएस का तैयारी करके बड़े बड़े पद पर जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक तो फ़ायदा ये है कि खान सर जैसे टीचर्स हैं जो कि अभी देश का भविष्य बना रहे हैं, और बहुत सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स मतलब आगे बढ़ रहे हैं इनसे, उनके से पढ़ के, ठीक है, तो अच्छी बात है सोशल मीडिया यूज़ करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कैमरामैन को कहेंगे कि आप इसको दिखाएं, और कहीं ना कहीं ये किरदार में लगता है कि ये मोबाइल यूज करने वाली बच्ची है, और इनसे पूछेंगे कि आप मोबाइल में क्या क्या करती हैं। रील्स का तो दौर है अभी चल रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक शॉर्ट्स बनाते हैं लोग यूट्यूब पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आपका किरदार क्या है? मेरा है कि हम एक बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा के पास टाइम नहीं होता है, हम पढ़ना चाहते हैं, मम्मी पापा से कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी फ़ोन पे बिज़ी रहती हैं, मेरे पापा को ऑफिस में काम रहता है, उसके बाद ऑफिस से आने के बाद फिर से घर में ऑफिस का काम करते हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो फिर मैं खुद अपने फ़ोन से ही कोशिश करती हूँ पढ़ने का। पिताजी यहाँ हैं, एक सभ्य पिताजी से बात करेंगे। सर आप अपने बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, खास करके ये किरदार जो आपका है उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम बिट्टू कुमार सिंह हुआ, हम बच्चे के बारे में बता जाइए आप लोग, हम बच्चे को बताना चाहते हैं कि मोबाइल में उतना टाइम नहीं दें, सिर्फ पढ़ाई भर मोबाइल का उपयोग करें, उसके बाद सिर्फ बुक से ही पढ़ें, मोबाइल से उतना नहीं पढ़ें। अच्छा ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि आप सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब सब बना के आप प्रदर्शित करना चाहते हैं? ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ, और वो भी खास करके भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में। ग्रुप से हम लोग अपने में ग्रुप में बात किए कि इससे बहुत समाज में बुराइयाँ फैल रही है, इसी के चलते हम लोग ये सोचे कि इसमें कुछ समाज में सुधार आए, इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखे, ताकि लोगों को इस चीज़ की समझदारी और जागरूक हो, हमारे माता पिता जागरूक हो, बच्चे को उतना सोशल मीडिया में उपयोग करने के लिए नहीं दे। अच्छा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, एक तरफ से नुकसानदायक भी है, और एक हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे भी कुछ बात कर ही लेते हैं जब इतने सारे लोगों से मैंने किया। आप क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के बारे में, मतलब अगर संगीत में आए लोग तो उसके लिए भी बल्ले बल्ले है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहे उसके लिए भी, और जो गलत करना चाहे उसके लिए भी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? देखिए सबसे पहले एक चीज़ है कि एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज़ वेरी बैड जी, कहने का मतलब है कि आपको जो भी चीज़ दिया गया है वो आपके ज़रूरत के लिए दिया गया है, उसका मिसयूज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो नुकसानदायक, बस वही बात आपको बताया गया कि एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। यहाँ क्या होता है आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने काम में इतने ना ज़्यादा बिजी हो गए, इतने ना ज़्यादा मोबाइल में बिजी हो गए हैं कि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, जाइए आपका कुछ साल पहले चले जाइए, सारे बच्चे माँ बाप सब बच्चे के साथ मिलकर रहते थे, सब चीज़ शेयर करना होता था, जिसके कारण कि बच्चे क्या होते थे कि मोबाइल का यूज़ नहीं करते थे।
यहाँ आज की डेट में क्या है कि बच्चे मोबाइल दे दिया है, अगर रो भी रहा है उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, पढ़ने का भी है तो माँ बाप टाइम नहीं देकर के बच्चों को बोलते हैं मोबाइल पर अपना पढ़ लो। बच्चे मोबाइल पढ़ते तो हैं बट डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो जाते हैं कि वो उसके अलावा कहीं और भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसका पूरा बैड इफेक्ट पड़ता है उसके लाइफ पे, फ्यूचर पे और आने वाली जनरेशन पे। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खास करके जहाँ जहाँ से भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि ठीक है, आप जितना ज़रूरत हो बच्चों को उतना दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा कोशिश कीजिए कि मोबाइल को यूज़ बस जितना इंपॉर्टेंट उतना ही कीजिए और अपने बच्चों को आप खुद टाइम दीजिए, ना कि मोबाइल में इन्वॉल्व होइए। और हम तो चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जो कि ये भाई साहब अपने अलग अलग किरदार में सोशल मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया का लोगो लगाते हुए सोशल मीडिया में एक संदेश देने के लिए कि बच्चे को क्या प्रभाव पड़ता है अच्छाई के लिए बुराई के लिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नाटक का तैयारी किए हैं और इस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे ये DLS शिक्षा महाविद्यालय में। और भी जानकारियां इस DLS महाविद्यालय के बारे में देंगे। बाकी खबरों को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।